एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब साइकिलिंग करी भारतर पड़ा सिंगापुर एखेते यात्रा आरम्भ करिसे आरो साइकिलेरे सिंगापुर यात्रा आरम्भ करातो एने कोइ साइकिल चलाय चलाय एने कोइ रास्ता रे इमान सहज नहय आरो एउ सब एउ पुरा एने को लगा लैसे आरो एने एफले एने को पुरा बेडिंग पूरा लय लैसे बेडिंग लय फले आरो भारतर पड़ा सिंगापुर इंडिया टू सिंगापुर जाबोले आरम्भ करिसे आरो एफले एउ चैनल बोर नाम लेखा आसे आरो मय एर पुरा जानिम भैया आप कहां से आए हो? मैं आया हूँ जैसलमेर राजस्थान से। जैसलमेर राजस्थान से? हाँ, और पूरा इंडिया करने के बाद मैं अभी इंडिया टू सिंगापुर कर रहा हूँ। और मेरी ये यात्रा करने का रीजन है स्प्रेडिंग द ह्यूमैनिटी एंड सेव एनवायरनमेंट के लिए। जी जी। तो मैं इंडिया से स्टार्ट करके फिर यहाँ से नेपाल पूरा कंप्लीट करके आ रहा हूँ। अभी 15 महीने हो गए मुझे। आप नेपाल से आ रहे हो? हाँ, नेपाल पूरा करके आ रहा हूँ। उसके बाद अभी इधर जा रहा हूँ नॉर्थ मणिपुर इम्फाल से उधर जाऊँगा म्यांमार थाईलैंड मलेशिया सिंगापुर और इंडोनेशिया तक। इंडोनेशिया तक जाओगे? जी। और इंडोनेशिया से भारत का बहुत पुराना नाता है ना? जी जी। उसमें जो बाली द्वीप है उसमें हम भारत का जो बहुत सारा उसमें टेंपल मिलता है। जी जी जी। हाँ, वहीं तक जाके आऊँगा, मतलब कल्चर लेके आऊँगा। कल्चर क्या है क्या नहीं, बहुत मतलब मेल मुटाव है ना? जी जी। और भैया का आपका नाम? आदित्य कुमार। और आपका यूट्यूब चैनल का नाम? मेरा शॉर्ट चैनल का नाम है आदित्य ब्लॉग डायरी। और फुल ब्लॉग देखने हैं इसी जर्नी के तो आप ER आदित्य कुमार नाम से चैनल होगा, दोनों ही लिंक ये डाल देंगे भैया। और भैया फिलहाल असम में है और असम में भैया का बहुत बड़ा वेलकम करता हूँ। और भैया असम में आके आपको कैसा अनुभव हुआ? अभी तो एक दो दिन ही है, वैसे तो अच्छा ही अब तक का, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। और भैया आप अकेले ही साइकिल जर्नी कर रहे हो? हाँ। कोई परेशानी तो हो नहीं रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, आप जैसे इतने सपोर्टिव लोग हैं तो क्या टेंशन है। और भैया का ये सफ़र बहुत ही यादगार हो, खुशहाल हो, यही कामना करते हैं। और भैया से मिलकर बहुत खुशी हुई। और सचमुच बोलो तो ऐसे साइकिल यात्रा करना इतना आसान नहीं है, ये बहुत कठिन कार्य है। और भैया ने बहुत ही साहस लेके ये कार्य में कार्य को चुना है। और गुड लक भैया। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, आप गुड बाय। थैंक यू। আৰু এনেকৈ চাইকেল চলাই ভাৰতৰ পৰা সিংগাপুৰ হৈ বলে ইণ্ডোনেছিয়া যাব। চাওক, এই জাৰ্ণিটো ইমান সহজ নহয়, কিন্তু চাইকেলেৰে এনেকৈ চলাই চলাই। এইটো MH-31 আৰু এইফালৰ পৰা তেওঁ আহি আছিল, এইফালে গুৱাহাটীৰ ফালে গৈ আছিল। আৰু তেওঁক ইয়াতে মাতিলোঁ, দেখা পায় আৰু তেওঁ ৰখিলে। তেওঁৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিলোঁ, খুবেই ভাল লাগিল। তেওঁ এনেকৈ অসমৰ পৰা মণিপুৰ যাব, মণিপুৰৰ পৰা ম্যানমাৰ, ম্যানমাৰৰ পৰা থাইলেণ্ড, এনেকৈ হৈ তাৰমানে তেওঁ সিংগাপুৰ যাব। তাৰপিছত তেওঁ যি ইণ্ডোনেছিয়া আছে ইণ্ডোনেছিয়ালৈকেও যাব। আৰু এনেকৈ চাইকেল কৰি ইমানবিলাক ট্ৰেক ঘূৰি থকা একেবাৰে সহজ কথা নহয়। তেওঁ বহুত তাৰমানে সাহস বুকুত বান্ধি লৈ কৰি আছে। আৰু আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব।